लोरमी क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का खेल जोरों से चल रहा है, जहां धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। बता दें कि जमीन दलाल झटपुरी रोड में अवैध प्लॉटिंग करके सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, साथ ही भोले भाले ग्रामीण भी इस झांसे में आ रहे हैं। वहीं इस मामले में लोरमी SDM पार्वती पटेल ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। इस दौरान SDM ने समय रहते जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई करने की बात कही है। बाहर से भूमाफिया आकर कृषि भूमि को और शासन के जो निर्धारित नियम हैं, उनके विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्रशासन मौन है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि लोरमी विकासखंड के SDM और तहसीलदार जो गरीब छोटे मोटे जमीन पर यदि कब्जा करके मकान बनाए हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन लोरमी में प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम भूमाफिया प्लाट कटिंग कर रहे हैं, अपने बोर्ड लगाए हैं और इन्हीं भूमाफियाओं के दलाल तहसील कार्यालय और SDM कार्यालय में कार्यालयीन समय में राजस्व अधिकारियों के साथ पटवारियों के साथ खुलेआम घूमते हुए दिखाई देते हैं। पटवारी से जांच रिपोर्ट ली गई है और उनको नोटिस जारी किया गया है, जवाब पश्चात उसमें कार्यवाही की जाएगी। नगर पंचायत क्षेत्र में 3 अवैध प्लॉटिंग कर्ता की जानकारी प्राप्त हुई थी, उनको जारी किया गया है और झजपुरी में भी जारी किया गया है नोटिस। नगर पंचायत क्षेत्र और जनपद ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान है। अवैध कॉलोनी कॉलोनाइजर एक्ट है, उसके तहत उनको लाइसेंस दिया जाता है और उसी के तहत कार्रवाई।